बाबा आज मुझे आज नहीं आया कि पिंडदान क्या होता है। भक्ति मार्ग में खास करके हिंदुओं में कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ क्रिया कर्म किए जाते हैं। उनमें एक कर्मकांड है पिंडदान, गया में जाके खास पिंडदान करते हैं। नाम क्या रखा? गया माने पिंड छूटा। ऐसे न हो कि भूत प्रेत बन करके हमारे ऊपर आक्रमण करता रहे, हमारे परिवार के बाल बच्चों को दुखी करता रहे, इसलिए पिंड लगा देते हैं। ये कर्मकांड चलते हैं भक्ति मार्ग में। वास्तव में तो जो भारतवासी हैं, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वो भारतवासी तो देवताओं को मानने वाले हैं, या तो भगवान को मानते हैं या तो देवताओं को मानते हैं। देवताओं को इसलिए मानते हैं कि देवताओं में से ही कोई एक देवता निकलता है जो भगवान के स्तर तक पहुंच जाता है। कहते हैं परम पिता परम आत्मा। कैसी आत्मा? जितनी भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें परम हीरो पार्टधारी आत्मा। इसलिए देवताओं को भी पूजते हैं। लेकिन दूसरे देशों में दूसरे धर्मों में देवताओं को नहीं मानते, वो फरिश्तों को मानते हैं। को मानते हैं जो भूत प्रेत होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको कहते हैं फरिश्ता। तो भूत प्रेतों की मान्यता दूसरे धर्मों में है, वास्तव में ये भूत प्रेत पूजा दूसरे धर्मों से हमारे भारत में आ गई है। हमारे भारतवासी भूत प्रेतों को मानने वाले नहीं हैं, अब मानते हैं। जब से ये विदेशी आए, विदेशियों के आक्रमण हुए, ये आतताई आए, इन आतताइयों ने आकर के भारत में ढेर की ढेर हत्याएं की, तो हत्या होने के बाद आत्मा की तो कहेंगे कि अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत हुई, ये अकाले मौत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूत प्रेतों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो पंडितों ने आचार्यों ने एक अंधश्रद्धा सिखाई, इन भूत प्रेतों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो पिंड दान करो, पिंड छूट जाएगा। अब भक्ति मार्ग में जो जैसी भक्ति करता है उसको वैसी प्राप्ति हो जाती है। हनुमान की भक्ति करता है तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। गणेश की भक्ति करता है
तो गणेश का साक्षात्कार हो जाता है। सर्प की भक्ति करता है, पूजा करता है नाग पंचमी में, तो सर्प के रूप में कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। लोग समझते हैं भगवान ने किया, वास्तव में ये सब अंधश्रद्धा है। भगवान से प्राप्ति तो असली तब ही होती है जब भगवान प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आते हैं। और आकर के बताता है कि मेरी उपासना करने वाले मेरे से डायरेक्ट प्राप्ति करेंगे, और देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करेंगे, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो ये प्राप्ति करने वालों की कैटेगरीज है, कुछ डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान से डायरेक्ट लेते हैं। कोई उनसे लेते हैं जिन्होंने भगवान से लिया है, अर्थात देवात्माओं से लेते हैं। कोई देवताओं से भी नहीं लेते, भगवान से भी नहीं लेते, उन राक्षसी आत्माओं से लेते हैं जो राक्षसी कर्म करने वाले, हत्याएं करना, जघन्य अपराध करना, जीवघात करना, ऐसे ऐसे जो जघन्य पाप करते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अभी यहाँ शूटिंग हो रही है क्या? हम ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी ये शूटिंग हो रही है। कोई तो भगवान को पहचान करके एक भगवान का पल्ला पकड़ लेते हैं, पक्का निश्चय बुद्धि। दूसरे वो है जो देखा दूरी भगवान को मान तो लेते हैं, इतने मानते हैं। अच्छा, हम भी मान जाते हैं, लेकिन बुद्धि में अच्छी तरह से बात बैठती नहीं है। तो उनका काम होता है, खुद निश्चय बुद्धि नहीं है तो जहां उनका निश्चय बैठेगा, जहां श्रद्धा बैठेगी, अरे 63 जन्मों के हिसाब किताब तो है ना हर आत्मा के, 63 जन्मों में हर आत्मा का कोई न कोई तो ज्यादा नजदीकी रहा होगा, होगा या नहीं? कोई न कोई ज्यादा नजदीकी रहा, तो जो आत्मा ज्यादा नजदीकी रही है वो ही शूटिंग पीरियड में यहां भी उसकी ज्यादा नजदीकी रहेगी। तो भगवान के ऊपर अश्रद्धा पैदा करेंगे, संशय पैदा करेंगे, लेकिन उसके साथ निश्चय पैदा करेंगे, जैसे कि वो ही उनका भगवान हो गया। ऐसे ऐसे होता रहता है। एक के ऊपर निश्चय बैठाना इस सब के बस की बात नहीं है। कोई फिर ऐसे होते हैं
कि जन्म जन्मांतर उन्होंने दुष्टों का ही संग किया, आतताइयों का ही संग किया है। तो यहाँ भी शूटिंग पीरियड में वो आतताइयों का ही संग करेंगे, उन्हीं को मानेंगे। अभी भी देखने में आता है, खास करके बेसिक में ये देखने में आता है कि तांत्रिकों की पूजा कर रहे हैं। तांत्रिक उन्हें कहा जाता है जो भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं। भगवान भूतनाथ आता है इस शक्ति पर, उसको न पहचान पाने के कारण तांत्रिकों की मनौती करके भूत प्रेत आत्माओं का आक्रमण उनके ऊपर कराते। किसके ऊपर? भूतनाथ और भूतनाथ के बच्चों के ऊपर। इसलिए शिव कहो रुद्र भगवान कहो, उसके 108 रुद्र गण गाए हुए हैं रुद्रमाला, जिनकी यादगार है रुद्राक्ष की माला। वो रुद्राक्ष के मड़के में एक मुख से लेकर के 14 मुख होते हैं। उनका नाम है रुद्राक्ष, माने उन सभी 108 मणकों में जो रुद्र है, ये नहीं कौन रुद्र जो रौद्र रूप धारण करता है, महाकाल, वो प्रवेश करता है 108 मणकों में। शिव तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, लेकिन शिव ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान यज्ञ क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शुरुआत होती है रुद्र ज्ञान यज्ञ से, यज्ञ के आदि में भी अभी भी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो वही रुद्र 108 मणकों में प्रवेश करता है। फिर कोई कोई मणके ऐसे होते हैं कि जिनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। क्या ऐसे नहीं कि रुद्र ही प्रवेश करेगा? क्या किसी में एक भूत, किसी में दो भूत, किसी में चार, किसी में 14 भी? इसलिए रुद्राक्ष के मणकों में वो मुख दिखाए जाते हैं, इतने इतने मुख से बातें करते हैं। वो रुद्र के मणके, रुद्र के बच्चे हैं, महाकाल के बच्चे हैं, और वो महाकाल के बच्चे राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। उनके ऊपर इतनी इतनी प्रेत आत्माओं के आक्रमण होते हैं। सोचो जरा कि जब दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटेंगी ताश के पत्तों की तरह, 100 मंजिल से भी ऊपर के मंजिल के मकान बनाए हुए हैं, इस देश में भी विदेश में भी बनते जा रहे हैं। एटम बम फटेंगे, भूकंप आएंगे, जमीन हिले, हाल डोल करेगी, तो सारे गिरेंगे। कितने मनुष्य मरेंगे अचानक? ये अचानक मौत मरने वाले क्या बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे।
उनमें से जो पावरफुल पावरफुल भूत प्रेत होंगे वो इन रुद्रबाला के मणकों में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये आसुरी शक्तियां रावण संप्रदाय हैं, वो जान लेती हैं कि युद्ध विकराल है, भगवान का ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, तो कम से कम जो देह अहंकार है उस अहंकार के आधार पर रावण में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार भरे हुए हैं उन शक्तियों के आधार पर तो हम आक्रमण कर सकते हैं। तो उन बीके वालों को भगवान तो नहीं मिलता है, कौन मिल जाते हैं? वो तांत्रिक मिल जाते हैं, वो आज के तांत्रिक नोटों की गद्दियां लेते हैं और काम करते हैं भूत प्रेतों के द्वारा, उन्हीं को भगवान समझ लेते हैं। अब क्या भूत प्रेत भगवान होंगे? भूत प्रेत भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो भाग्यवान को भगवान कहा जाता है। क्या जिससे जास्ती भाग्यवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है मुकर्र रूप से, वो दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान होता है। विश्व का बादशाह होता है, दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र कोई भी धर्म का फॉलोअर कितनी भी ताकत लगाया हो बाहुबल की, हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। ये तो एक ही शिव बाबा का बताया हुआ रास्ता राजयोग बल है जिसके आधार पर विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। जो विश्व की बादशाही लेने वाला होगा वो इन भूत प्रेतों से डरने वाला नहीं हो सकता। हाँ, जिन आत्माओं में वो भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं वो प्रभावित हो सकती है, प्रभावित होती है तब तो उनमें प्रवेश होता है। अगर प्रभावित न हो तो वो भूत प्रेत उनमें प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो प्रभावित होने वाले जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो एक को छोड़कर है, एक मणका ऐसा है जो एक मुख वाला है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं एक मुख वाला रुद्राक्ष का मणका किसी को मिलता ही नहीं, विरले को मिलता है। बाकी जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं, कोई में दो, कोई में चार, कोई में 14, भूत प्रेत प्रवेश करते ही हैं। तो इनसे पिंड कैसे छूटे?
भक्ति मार्ग में तो लड्डू बनाए लिया और चढ़ाए दिया, कहते पिंड छूट गया। अब वो लड्डू थोड़े ही पिंड छुटाएगा है? ये तो ऐसा ज्ञान का लड्डू है जो गहराई से जो बुद्धरूपी हाथों में धारण करेगा उसी का छुटकारा होगा इन भूत प्रेतों से, रावण संप्रदाय से, कंसी जरासिंधी से, दुर्योधन दुशासन से, नहीं तो छुटकारा होने वाला नहीं है। तो भक्ति मार्ग में तो जाते हैं गया में क्या? हाँ, ये गया में जाने की बात नहीं है, ऐसी ऊंची स्टेज में जो गया उसका ही पिंड छूटता है, नहीं तो पिंड छूटता नहीं। गया कौन से स्टेट में है? है बिहार में, वो बिहार है बाहर लाने वाला, पिंड छूटेगा तो बाहर आएगी, संगम युग मौजों का युग बन जाएगा। इन भूत प्रेतों से पिंड नहीं छूटेगा तो मौज नहीं आने वाली है ब्राह्मण जीवन में। हाँ भगवान है कौन? कौन है भगवान? शिव बाबा। शिव माने आत्मा, बाबा माने शरीर। क्या बाबा माने कोई शरीरधारी है? क्योंकि आत्माओं का बाप तो बाप होता है, बाबा नहीं होता। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। आत्माओं का बाप सिर्फ बाप है, वो बाबा नहीं है। वो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु जब कोई शरीर में प्रवेश करता है तब दूसरे संबंध बनते हैं, नहीं तो सिर्फ कौन सा संबंध है? बाप। तो जिस शरीर में पहले प्रवेश करता है वो है बाबा साकार। क्या उसने क्या किया? विराट रूप। कैसा विराट? माने बड़ा। अब जिसमें प्रवेश करता है वो साधारण में प्रवेश करेगा या बड़े से बड़े में प्रवेश करेगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, कोई में प्रवेश करते हैं, तो दुनिया की विशेष आत्माओं में ही प्रवेश करते होंगे कि साधारण प्रवेश करेंगे? है? अरे जितना बड़ा आदमी होता है उतना ऊंचा उसका फर्नीचर होता है। देवताओं को भी दिखाते हैं, जितनी प्योरिटी वाला होगा उतना पावरफुल उसका
वाहन होगा। शिव का वाहन बैल दिखाते हैं और शिव की शक्ति का वाहन क्या दिखाते हैं? शेर दिखाते हैं। तो आत्माओं के बीच में सबसे ऊंची आत्मा कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कौन है? आत्माओं के बीच परमपिता परमात्मा शिव भी आत्मा है, वो आत्मा नहीं है? तो राम वाली आत्मा को कैसे सबसे ऊंचा बता दिया है? सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? शिव। तो वो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी में प्रवेश करेगा या साधारण में प्रवेश करेगा? ऊंचे से ऊंचे में आता है, वो ऊंच से ऊंच है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज बाप। और बीज में जब ज्ञान का बीज आरोपण करता है तो ज्ञान का बीज जो छोटा सा बीज है कितना बड़ा वृक्ष बनता है? 500-700 करोड़ पत्तों वाला बीज। इतना बड़ा मनुष्य से शुरूपी झाड़, उस बीज में कितने समय हुए हैं? है 500-700 करोड़ उस बीज में समय हुए हैं, जिनके लिए गीता में कहा नाहम तेसु ते मई। मैं उन 500 करोड़ में नहीं हूँ, लेकिन वो 500 करोड़ सब मेरे अंदर है। इस बात की जानकारी जब सारी दुनिया को लगती है, इस बात का साक्षात्कार होता है पुरुषार्थ करने वाले अर्जुनों को, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले जो भी आत्मरूपी अर्जुन हैं, उनको जब इस बात की जानकारी होती है कि वो बड़े से बड़ा विराट से विराट कौन है, वो विराट उस विराट रूप में भक्ति मार्ग में जो चित्र दिखाया है उसमें राक्षस भी दिखाए, उसमें देवताएं भी दिखाए, उसमें मनुष्य भी दिखाए, उसमें जानवर भी दिखाए, सारी दुनिया उसमें समाहित कर दी। और आजी एक माता ने पूछा, सूर्य जब उदय होता है तो भी लालिमा देखने में आती है पहले, और जब सूर्य अस्त होता है तो भी अस्त होने के बाद क्या देखने में आती है? लालिमा देखने में आती है। उसको कहते हैं ऊषा। क्या कहते हैं? ऊषा। भक्ति मार्ग में, ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग की दुनिया में ऊषा के साथ उनका युगल का नाम क्या है? रमेश। रमेश कौन है? रमा ईश, दो शब्दों को मिलाया रमेश। कौन है रमेश? है अरे दक्षिण भारत है, भारत का विदेश, और उसकी राजधानी है माया की नगरी बॉम्बे, जहां से ज्ञान के बम्ब फूटेंगे। इसलिए बोला
दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी, इसलिए उस नगरी का नाम क्या पड़ा? बॉम्बे। तो बाप विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। उसकी राजधानी कहाँ है? हा? अरे राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। अरे बाप विदेशी है, विदेशियों की राजधानी भारत के अंदर जो दक्षिण भारत, भारत का विदेश है, उसकी राजधानी कौन सा शहर है? बॉम्बे। तो भक्ति मार्ग की दुनिया में ब्राह्मणों में दिखाया गया उषा रमेश वहां के, जो जड़ चित्र तैयार करते हैं। कैसे चित्र तैयार करते हैं? ढेर के ढेर जड़ चित्र तैयार कर दिए। तो ब्राह्मणों की ज्ञान मार्ग की दुनिया में कोई रमेश ऐसा होगा या नहीं जो चैतन्य चित्र तैयार कर दे? है? अरे सैकड़ों चैतन्य चित्र तैयार होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो वो रमेश है रमा का ईश। रमा कहते हैं पार्वती को। रमा किसको कहते हैं? पार्वती को। उसका ईश कौन हुआ? शंकर जी। तो शंकर जी वो हुआ ज्ञान सूर्य। क्या हुआ? ज्ञान सूर्य। और उनकी युगल का नाम है उषा, लालिमा। तो जो बेहद की लालिमा उषा है वो कौन सी आत्मा है? त्रिमूर्ति का परिचय तो लिए सब बैठे हैं। तो कह रही बड़ी मम्मी और बताओ है? है? इधर बुढ़िया ने कहा बड़ी मम्मी, इधर कहते हैं छोटी मम्मी। अब सच्चाई कौन है भाई लोग बताएं, सच्चाई क्या है? है माने छोटी माँ या बड़ी माँ? छोटी माँ माना सनसेट पॉइंट की यादगार कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू में। वो ज्ञान सूर्य जो ब्रह्मा के तन के द्वारा माँ के रूप में प्रकट हो रहा था, वो माउंट आबू में अस्त हो गया। छठ अड़सठ के बीच में तो जब ज्ञान सूर्य वो अस्त हुआ, उस समय ब्राह्मणों की दुनिया से छोटी माँ ने बेसिक में जन्म लिया। क्या? तो अस्त हुआ तो उषा निकली या नहीं निकली? है? निकली। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्य पहले उदय होगा या वो लालन पालन करने वाली लालिमा पहले उदय होगी? लालिमा उदय होगी। इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया। क्या? अरे सूर्य के पीछे मत पड़ो, जलाए देगा जलाए। क्या? इसका आवाहन करो। है ज्ञान सूर्य का आवाहन न करो। माताएं किसका आवाहन करो? बाबा आ जाए। तो अब किसका आवाहन करना है? है? हाँ,
उषा का आवाहन करो, पहले उषा उदय होगी फिर पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। दुनिया तो कहती है, ग्लानी करती है, शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ, ग्लानी कर दी ना। अरे शंकर पार्वती के पीछे नहीं फिदा होगा, तुम्हारे पीछे फिदा होगा क्या? ये तो अच्छी बात है कि हरेक व्यक्ति को अपनी चिर संगनी के पीछे फिदा होना चाहिए कि दूसरों के पीछे फिदा होना चाहिए? हैं? अपनी चिर संगनी के पीछे फिदा होना चाहिए। तो अगर उषा का आवाहन कर लिया, उषा आ गई, तो रमेश जी तो पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे, उनका आवाहन करने की दरकार नहीं होगी। और जन्म को लगी नगर हमारी बड़ो सबूत रहो कुआरी, ये आया है। तो आप क्या चाहते हैं? जन्म लगी नगर हमारी, हाँ, बड़ो सबूत रहो कुआरी। अब आप इस चाहते क्या है? ये तो आपने रामायण का फिकरा सुना दिया, आप क्या जानना चाहते? पार्वती ने यही अर्थ करेंगे। हाँ हाँ, सप्त ऋषियों को बोल दिया, तो जो बोल दिया है उसमें आप क्या जानना चाहते हैं? बोलो 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 बोलो। अरे तो आप ही जब होते हैं यहाँ करोड़ों जब बैठेगा। अरे आपकी कुछ जानने की इच्छा है? अरे इसी समुद्र के ऊपर की है, जैसे पार्वती और ये इनके ऊपर की है। शिव और पार्वती के ऊपर का है, जैसे अभी आपने बोला ना शंकर यानी पार्वती का फिदा हुआ, ऐसे तो ऐसे यानी पार्वती शंकर के ऊपर फिदा हुई, ऐसे वहाँ में लिखा है ना। हाँ जन्म जन्म लगी रंग लगी रंग। हाँ तो एक दूसरे के ऊपर फिदा नहीं होना चाहिए? हाँ? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, आपको कुछ और जानने की तो इच्छा नहीं ना? आपने तो बात रामायण की बताई कि रामायण में ये बात कही गई, क्योंकि रामायण तो लिखने वाला भगत है या खुद भगवान है? है भगत है, भगत तो जानते ही नहीं कि 84 जन्म ही होते हैं। है जानते हैं? भगत नहीं जानते, 84 का ही चक्कर होता है, वो तो समझते 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, इसलिए वो जन्म कोटि करोड़ों जन्म तक हमारी यही रगड़ रहेगी बुद्धि में कि किसके साथ जन्म लूं? शंकर जी के साथ मेरा जन्म हो संबंध जोड़ने के लिए, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूं, सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। तो ये प्रतिज्ञा कहाँ की है? है संगम युग की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा तो अच्छी है ना, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अगर दूसरा कोई बना लिया या इच्छा कर ली तो जन्म जन्मांतर के सुख में कटौती हो जाएगी, और तीसरा चौथा बनाया तो और ज्यादा कटौती हो जाएगी, और 84 जन्मों में 84 नए बना लिए बहुत कटौती हो जाएगी। प्योरिटी के आधार पर पीस एंड प्रॉस्पिटी प्राप्त होगी, ये प्योरिटी का फिकरा बता दिया बाबा ने, एक शिव बाबा दूसरा में कोई। और अरे रे 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 रे
अरे दूर वालों को बाद में, पहले नजदीक, आगे से आगे बैठ जाना। कृष्ण की तीन पत्नियां बताई, जोर से बोलो, पीछे वाले भी सुने। हाँ, कृष्ण की तीन पत्नियां बताई, उसमें एक सत्य ब्रह्मा भी है। कृष्ण की तीन पत्नियां थी के आठ थी, पटरानिया और एक महारानी, तीन नहीं थी। कृष्ण की कितनी थी? आठ पटरानिया और एक महारानी। हाँ, सत्य ब्रह्मा नहीं, सत्य भामा। तो उसका पार्ट, हाँ, जो वो है सत्य भामा का जो पार्ट है, सत्य भामा। भा माने भाई, माँ माने माँ, जो सच्चाई में माँ बनी वो है सत्य भामा। माना एक पटरानी है जिसका नाम पड़ा सत्य भामा, और दूसरी रुक्मिणी, क्या मणि बनते बनते रुक गई है। छोटी माँ को पटरानी बनाओगे, पुरुषार्थ करते करते पट में गिरेगी है। अरे कोई बहुत ऊंची चाढ़ी चढ़े और चढ़ते चढ़ते पट से गिरे तो कहेंगे पटरानी, ऐसे ही उनके पटराना। आठ देवताएं राणा तो हैं, राजा तो है, बहुत ऊंचे चढ़ते हैं, लेकिन माया उनको भी नीचे गिराती है कि नहीं? जैसे कोई पांचवी मार से गिरे तो पटाख से जीतेगी ना, तो ऐसे ही आठ हुए पटराना, तो आठ होने की हुई पटरानी। अरे वो पीछे छाड़ी हो जाओ। हाँ, जो नाभि है उस नाभि को छेदन कर दिया, रामायण में बताया विभीषण ने, ये राज बता दिया। क्या राज बताया? कि सर काटते जाओ, नए नए सिर रावण के पैदा होते जाएंगे। क्या भगवान आकर के इतना ज्ञान सुनाता है और इतना क्लियर कर देता है तो भी संशय उठने वालों के, प्रश्न पैदा होने वालों के सिर के रूप में प्रश्न पैदा ही होते रहते हैं, उनके प्रश्न खत्म होते ही नहीं। जितने प्रश्नों का समाधान करो, इस सिर में से निकलते हैं ना प्रश्न। प्रश्न कहाँ से निकलते हैं? सिर में से। तो जितने सर काटते जाओ उतने और ज्यादा पैदा होते जाते। तो तरीका बताया, क्या तरीका बताया? कि रावण की जो नाभि है उच्छेदन कर दो, इस नाभि कुंड में पीयूष है, पवित्रता का पीयूष है, अमृत कुंड है। कौन सा अमृत कुंड है? इसके हृदय में सीता बसी हुई है। क्या? तो काट दो, वो अलग हो जाएगी तो ये खलास हो जाएगा। तो वो बाप दादा ने आपको बता दिया, ये बाप दादा विभीषण का पार्ट बजा रहा है। क्या? माने विशेष, भीषण माने
भयंकर, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए बड़े हेजे हैं, क्या ब्रह्मा बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता, भले हमने ब्रह्मा बाबा की गैस काट डाली हो, क्या उनका हाथ फेल कर दिया हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा जितना हमको प्यार करते हैं इतना कोई नहीं कर सकता। वो ही ब्रह्मा बाबा विशेष भयंकर हो जाता है उनके लिए, जिन ब्रह्मा कुमार कुमारों ने ब्रह्मा जैसी कोमल आत्मा को इतना प्यार दिया, इतना दुख दिया, उनके हिसाब किताब ब्रह्मा की सोल लेगी या नहीं लेगी, कब लेगी, सतयुग में जाके लेगी, अभी एक एक का 100 गुना गिनाएगी, गिना रही है, जो भी वाक्य मुंह से बोले जा रहे हैं वो समझते ही नहीं है कि इनका अर्थ क्या है, जब समझेंगे तब जानेंगे कि ये तो हमारे लिए महाभयंकर है। वो बाबा राज बता रहा है हम बच्चों को, क्या विजयमाला का आवाहन करो, विजयमाला माने छोटी शहद की मक्खियों की रानी, शहद की मक्खियों का आवाहन करना हो तो क्या करना है, रानी मक्खी को बुला लो, पकड़ लो, वो पीयूष है नाभि कुंड में, अमृत कुंड है पवित्रता का आगार है, पवित्रता का महाकुंड है, वो महाकुंड जब आ जाएगा तो रावण अपने आप मर जाएगा। बाबा जी, बाबा बाबा, हाँ, हमारे यहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं है, हम एटा से आए, एटा आस पास भी नहीं है, बहुत बहुत दूर तक यहाँ है आगरा वाले। अरे तो एटा आगरा तो साथ ही साथ है, बहुत दूर तो नहीं है, है? और एटा फरक्काबाद से लगा हुआ है, है? फिर क्या, आप तो किनारे पर ही है, गीता पाठशाला कोई युगल निकला ही नहीं, युगल है हमारे, युगल तो है लेकिन कोर्स करे आई है, बेसिक में भक्ति में चल रही है अभी, कोई युगल निकला, युगल नहीं और कोई है, हाँ, है जो युगल निकला हो भक्ति कर ली हो, कोई युगल ने भक्ति नहीं की, तब तक कहीं न कहीं इकट्ठे होते रहो, क्या महीने में एक संगठन का प्रोग्राम जरूर रखो किसी के भी घर में, फिर जब कोई युगल निकला है तो गीता पाठशाला खोल लेना। ओम शांति।
लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। तो ये सब धर्म देहदारियों को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, माने मुझे एक की शरण में आ जा और किसी की बात न सुन। मुझे एक माने एक बिंदी नहीं, मुझे एक माने कोई साकार होगा मुझे एक, या बिंदी बिंदी होंगी, कोई साकार है उसके द्वारा बोला हुआ महावाक्य है जो उस गीता में भी लिखा हुआ है। मुझे एक की शरण में आ जा, शरण में आ जा माने जैसे चलाऊं वैसे वैसे चल, तो इसमें शंका क्या है? इस बात में कोई शंका है क्या? जो भी देह के धर्म है, पहले पहले दुनिया में बड़े बड़े धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म है वो धर्म, फिर उसके बाद है जो संबंधी हैं वो भी देह के धर्म सिखाते हैं, वो जो कुछ बोलेंगे कहेंगे हमारी बात मानो, बड़े हैं ना तो कहेंगे हमारी बात मानो, तो उनके देह के धर्मों को छोड़ दो, उन सब को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा माने एक की बात सुन और किसी की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सुनो सबकी, करो करो अपने मन की। अच्छा फरुखाबाद की बच्ची की बात कर रहे हैं, 14-15 साल का बच्चा है, नाबालिग है, बुद्धि कच्ची है, क्या कच्ची बुद्धि मानी जाती है, अगर उस समय भट्टी की है तो फिर 18-20 साल का हो जाए, माननी तो होगी लेकिन ऐसा देखने में आया है कि 14-15 साल की बच्चियां जो भट्टी कर लेती है और भट्टी करने के बाद फिर उनको माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, वो जब 18 साल की होती है तो उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है, तो उनको छोड़ देना चाहिए बंधन से, ईश्वरीय बंधन से, या ईश्वरीय बंधन में रखना चाहिए है? ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार क्या क्या नियम है, है? वो ये दलील देती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी इच्छा के बगैर, हमारी बुद्धि नाबालिग थी उस समय सरेंडर कर दिया, इसलिए अब हम नहीं रहना चाहते, तो उन्हें जबरदस्ती बांध के रखना चाहिए, या ये कहा जाए कि अपने माँ बाप से त्याग पत्र लिखाओ, या तो तुम त्याग पत्र लिखो और जाओ, तो उन्हें छोड़ देने का ही प्रावधान है, जबरदस्ती बांध के रखना ये मुसलमान धर्म हो जाता है। तो नाबालिग अवस्था में अगर कोई भट्टी करते हैं तो कच्ची भट्टी है, बाय चांस कोई भट्टी किया हुआ भी 18-20 साल के बाद निश्चय बुद्धि और ज्यादा बन जाता है तो वो बात अलग है। नहीं नहीं भट्टी कराई जाती है लेकिन उनसे निश्चय पत्र पक्का स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखाया जाता, क्या हाँ कच्चे कागज पर लिखवा लिया जाता है क्योंकि कच्ची बुद्धि है,
जब बुद्धि पक जाए तो पक्का स्टाम्प पेपर पर उनसे निश्चय पत्र लिखा लिया जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि सूर्य कभी पृथ्वी में मिल जाता है, ऐसा होता है क्या? चंद्रमा की बात है अकेले की, चंद्रमा ग्रह नहीं है। नौ ग्रहों में से एक ग्रह दुनिया में मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो उपग्रह है। क्या? वो पृथ्वी का बच्चा है, पृथ्वी से उसकी पैदाइश होती है। तो जिसकी जहां से पैदाइश होती है वो जहां जाके मिक्स होता है। जैसे सीता की पैदाइश धरणी से हुई तो कहां मिल गई? धरणी में मिल गई। दो तरह के विनाश होते हैं, एक होता है संपूर्ण विनाश और एक होता है अर्ध विनाश। जब संपूर्ण विनाश होता है तो उपग्रह जितने भी हैं वो अपने ग्रह के साथ मिल जाते हैं, और जब आधा विनाश होता है द्वापर के बाद तो वही उपग्रह अपने ग्रह से अलग हो जाते हैं। और बाबा उसी का पाठ जो बताया कि सभी ने मुझे देख लिया, यहाँ पर क्या भाव है? सभी हाँ मुझे देख लिया। हाँ अभी तो बताया, भगवान आकर के लड्डू पेड़ा जलेबी कचौड़ी खाता है कि बेहद का भोग लगाता है, तो समझ लेना चाहिए। और जो शबरी है वो शूद्राणी कही जाती है, ब्राह्मणी नहीं कही जाती। क्या? अगर कोई ब्राह्मणी है कि मैं ब्रह्मा की औलाद हूं और बेर खिलाने बैठ जाए, जो जानती है कि ये झूठे बेर हैं, तो शूद्राणी है या ब्राह्मणी है? क्या है? शूद्राणी है। जबकि मुरली में डायरेक्शन ये है कि माताओं को शिव बाबा के साथ पहले पहले बच्चे का संबंध जोड़ना है, बाद में और संबंध। और बाबा तो बहुत चालाक है, वो जानता है कि माताओं की भावना ऐसी होती है जिसको एक बार बच्चा बना लेगी उसके साथ दूसरा संबंध कभी नहीं जोड़ेगी। और बाबा अभी तो मुझे ने बताए है कि मारे आत्मा का जो सत्य है वो दोनों मारे धरती में है, मारे धरती में है, धरती धरती में है। आत्मा का जो सत्य है, आत्मा का सत्य सत्य आत्मा का रहने का स्थान भक्ति है। हाँ अकाल तत्व जिन आत्माओं को काल नहीं खा सकता, माने काल अगर चाहे कि हम अमुक समय पर इसको खा जाएंगे तो नहीं खा सकता। उनकी जब स्वेच्छा होगी तभी शरीर को छोड़कर परमधाम जाएंगी। हाँ तो बोला है।
जो जन्म लेने वाले हैं वो बेसिक से आते हैं या एडवांस से आते हैं? वो बेसिक से आते हैं। और जो जन्म देने वाले हैं वो कहाँ से आते हैं? एडवांस से आते हैं। जवाब हो गया। आप कभी स्वप्न में जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आप स्वप्न में घूमते हैं दुनिया में, वहाँ कुछ होता है क्या? कुछ लड्डू पेड़ा लेके आते हैं? नहीं लेके आते। वो सिर्फ एक मन की जो है वो सुसुप्त मन की कल्पना है। ऐसे ही जो साक्षात्कार होता है संदेशियों को, वो भी एक प्रकार का कल्पना है। वास्तव में सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नहीं है। जो मन के सूक्ष्म संकल्प हैं वो ही सूक्ष्म वतन है। हाँ, आपस में सपने में क्या आपस में बातचीत नहीं करते? सपने में एक दूसरे से जैसे बातचीत करते हैं, वैसे साक्षात्कार में भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हाँ और क्या? अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन सतना शब्द में दो ही शब्द हैं। कौन कौन? सत और ना। माता ने थोड़ा शुभ चिंतन किया कि सतना का अर्थ होना चाहिए बीच में है, छुपा हुआ है। क्या सत्य है ना? माने जबरदस्ती कोई से मनवाना क्या? कि सत्य है ना, झूठ तो नहीं है। ये तो मिक्सचर हो गई। वास्तव में तो दो ही शब्द है। कौन से? सत्य ना, जैसे पत्ता ना, पटना है ना, तो पटना का अर्थ क्या हुआ? पटती नहीं है कोई से। वहां का जो नेता है ना, उसकी कोई से, कोई राजनीतिक पार्टी से पटती नहीं, तो उसका नाम क्या पड़ गया? पटना। ऐसे ही ये है सतना। माने सत्य माने, सत्य माने सार, और ना माने नहीं, माने सार नहीं है लेकिन कब नहीं है? कलयुग में या सतयुग में? है कलयुग में। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में सत्य में, सतना में सत्य नहीं है। तो खराब बात है, अच्छी बात है? खराब बात है तो सही बात हो गई। दुनिया में सत्य है कहाँ? कहो सत्संग। तो सत्संग कौन से धर्म में सत्संग है? दिखाई पड़ रहा है किसी को? है दिखाई पड़ रहा है? कोई भी धर्म में सत्संग नहीं है। सब धर्मों में झूठ ही झूठ। धर्म के नाम पर सब अधर्म बन गए। ऐसे ही दुनिया में स
सब जगह झूठ ही झूठ, सत्य का नाम निशान नहीं, इसलिए सत्य नाम वाले सच्चे हैं। कोई पूछे कहाँ के वासी हो, कहेंगे सत्य नाम वासी हैं। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अपना सच्चा पोता मेल बताए देना और बेधड़क होकर के बताए देना, ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि जानते हैं दुनिया में झूठे तो सब हैं, झूठों की दुनिया में हमने अपने को स्वीकार कर लिया कि हम कहाँ के वासी हैं, सत्तना की वासी हैं। समझ में नहीं आया? बड़ी गहरी इच्छा है पूछने वालों की। क्या कि हम कहाँ के वासी हैं, माने जो पूछने वाला है वो अपने को समझता है, वो पूछने वाला समझता है कि हम आबेरवासी हैं, हम सतनावासी हैं। तो जो पूछने वाला पूछ रहा है कि हम सतनावासी हैं, इसका अर्थ क्या है? हम आबेरवासी हैं, इसका अर्थ क्या है? कम से कम जाने तो कि हम कहाँ के वासी हैं। तो देवान में आकर के पूछ रहा है या आत्मा अभिमान में आके पूछ रहा है? देवान में पूछ रहा है। अरे हम तो आत्मा हैं, हम आत्मा जन्म जन्मांतर के अबेरवासी सतनावासी हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ के वासी हैं? है? देखो ओम शांति।